जैसे बंदी का जो भी नगर पालिका का आदेश है कि लेफ्ट खुलेगा या राइट खुलेगा, तो आप लोग जो भी अपनी बुग्गी ये लगा रहे हैं ठिलिया, इसको उसी रो में रखेंगे। मुझे टोकना ना पड़े और मैं अभी एक निशान बता रहा हूँ, उसी क्रम में सभी खड़े होंगे और जिसने लाइन तोड़ा उसका 34 पुलिस एक्ट में चालान करूंगा। मैं इसलिए आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूँ कि मुझे बार बार मजबूर मत करिए कि मेरी रोज गाड़ी आए। हमारे जितने व्यापारी थे वो आज यहाँ ब्लॉक सभागार में एकत्रित हुए और जितने हमारे व्यापारियों की बातें थीं, जितनी उनकी मांगें थीं, जो उनकी परेशानियाँ थीं, हमने उनको अपने उच्चस्थ अधिकारियों को अवगत कराया और उनसे ये कहा है कि जो हमारा एक महीने तक बंद रहा है मार्केट, उसके बाद हमारा व्यापारी बड़ा आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से बहुत परेशानी में है। अब मार्केट को जो व्यवस्था यहाँ लागू करी गई है राइट और लेफ्ट की, हमने उनसे निवेदन किया है कि मार्केट गजोले का बहुत चौड़ा है, 100 फीट से लंबी चौड़ी सड़कें हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कंजेशन है उसकी संभावनाएं बहुत कम है। तो जहाँ पे कंजेशन की संभावनाएं कम है उनको आप पाँचों दिन खोलें, दो दिन साप्ताहिक बंदी गवर्नमेंट ने घोषित की है उसका हम अनुपालन करेंगे, सारा जो प्रोटोकॉल है कोविड का उस प्रोटोकॉल को हम मानेंगे और जहाँ पर हमारी सड़कें छोटी हैं, दोनों तरफ दुकानें हैं और मध्य में दूरी कम है, वहाँ पर हमने उनसे एक ऐसा प्रस्ताव रखा है कि सुबह 7 बजे से 1 बजे तक हम राइट साइड खोल दें और बाद में 1 बजे से 7 बजे तक दूसरी साइड खोल दें, ताकि जो हमारे दुकानदारों का माल रोज़ाना के हिसाब से बंद होने पर ख़राब हो सकता है वो ख़राब नहीं होगा और वो अपने व्यापार को रोज़ाना के हिसाब से चला सकेंगे। और उत्तर प्रदेश में बाज़ार खुल चुका है, केवल गजरौला में ऐसा है जो प्रशासन ने एक तरफा दो तरफा वाला काम कर रखा है, तो इससे लगता है व्यापारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। इसकी हमने शिकायत DM महोदय से भी करी है, SDM महोदय से भी कही है और हमने उनसे ये कहा है कि इस पर बहुत सहजता से विचार करें और मार्केट को अगर संभव जहाँ तक हो, हमने विधायक महोदय से भी कहा है ये बात जो हमारे जनप्रतिनिधि दिए हैं कि साहब DM महोदय से आप बात करके इस मार्केट को पांचों दिन खुलवाएं और दो दिन साप्ताहिक बंदी का हम पूर्ण रूप से पालन करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।